Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my parents' YouTube channel that is Food and Tour with SP. आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, बेसिकली अ डेजर्ट जिसका नाम है फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। ये बनाना बहुत ईजी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो आए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पतीला चूल्हे पर रख दिया, इसके अंदर मैंने 2 कप्स दूध ऐड किया है। अब मैं साथ ही इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसके बॉईल होने का वेट करेंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम लोग इसके अंदर डालने के लिए इसका कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 बॉल दूध का लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है कि ये पाउडर अच्छे से दूध के अंदर डिजोल्व हो जाए और कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपना जो ये पाउडर मिक्सचर है इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे। आपने इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना ताकि इसके अंदर घुटियां ना बने। और आप नोट करेंगे जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते जा रहे हैं ये थोड़ा स्मूथ टेक्सचर में आई जा रहा है, यानी ठीक हो ही जा रहा है और बिल्कुल ये स्मूथ है, इसके अंदर कोई घुटियां नहीं है। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से ठीक हो गया है और एट द पॉइंट जब ये बिल्कुल बॉयल होने लग जाएगा या बॉयल हो जाएगा इट मींस कि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है और हम इसको निकाल लेंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे तो आ रहा है, ये देखें कस्टर्ड हमारा अच्छे से बॉयल हो गया हुआ है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये सारा मैंने निकाल लिया और अब मैं इसके ठंडे होने का वेट करूँगी। और मेक श्योर कि जब आप लोग ठंडा कर रहे हो तो आप लोग तब भी इसको कंटिन्यूसली इसको मिक्स करते जाएं, क्योंकि हमने इसको जमने नहीं देना, जो हमारी डिश है उसके अंदर हमें इसलिए जमा हुआ नहीं चाहिए। चलिए इसका ठंडा होने का वेट करते हैं। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग अपनी जेली तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक सॉस पैन के अंदर 2 कप्स वाटर लिया है और अब हम इसके बॉयल होने का वेट करते हैं। यहाँ पर हमारा पानी बॉयल हो गया हुआ है, अब हम अपनी जेली इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ चमचा हिलाते जाएंगे। ये जेली बनाना सबसे इजी और सबसे जल्दी वाला काम है। बस हमने अच्छे से इसको डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जैसे ही दोबारा बॉयल होगी इट मीन्स हमारी जेली बिल्कुल तैयार है और हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें हमारी जेली अच्छे से बॉयल हो गई हुई है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। अब हम इसके भी ठंडा होने का वेट करते हैं। कस्टर्ड और जेली हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की प्रेजेंटेशन पर चलते हैं, जिसके लिए हमने एक बॉल लिया है। अब सबसे पहले हम इसके नीचे अपना सारा केक लगाएंगे। मेक श्योर कि आप सारा अच्छे से कवर करें। ये देखिए केक की हमारी अच्छे से लेयर सारी कवर हो गई। अब हम लोग इसके ऊपर अपना ये कॉकटेल का जूस ऐड करेंगे। सारा नहीं डालना, कि थोड़ा थोड़ा सा करके कि ऊपर इसका लाइट लाइट सा टेस्ट है। ये देखें पूरी तरीके से आपने इसको कवर कर लेना है, बस इधर से इतना काफ़ी है। अब मैं इसके ऊपर क्या डालूँ, ऐसे लेयर्स तो अपनी मर्जी होती है ना, जो मर्जी डाल ले, चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, जो मर्जी आप लोग के ऊपर डाल ले। मैं ऐसे करती हूँ, इसके ऊपर ये कस्टर्ड डालती हूँ। एक प्रॉपर लेयर बनानी है, पूरा भरना नहीं है। देखिए ट्राइफल में कोई भी चीज़ ओवरलोडेड हो ना तो मज़ा नहीं आता खाने का। एक चीज़ें प्रेजेंटेशन में भी प्यारी लगे, बाहर से देखने में भी अच्छा लगे, तो वही ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल भी करता है खाने का। अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया, यही रीज़न है कि मैंने इसको जमने नहीं दिया। ये ले जी, अच्छे से हमारा कस्टर्ड सारा कवर हो गया। अब मैं ऐसा करती हूँ इसके ऊपर फ्रूट डाल देती हूँ। ये डाल लें, बनाना डाल लेते हैं पहले। सेम, इसमें ज़्यादा करके नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि नज़र आए, टेस्ट आए। ये ऑलरेडी बहुत मीठा है, इसके अगर हम लोग चीज़ें भी बहुत सारी मीठी मीठी करके डाल देंगे ना तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम लोग एक लिमिट में करके रखें।
या दैट्स इट। अब मैं इसके ऊपर एप्पल डाल देती हूँ कि पाइनएप्पल डालूँ? व्हाट यू से? पाइनएप्पल डाल, थोड़ा सा थोड़ा सा पाइनएप्पल डाल लेंगे। दिस इज द मोस्ट फेवरेट आइटम इन दिस, मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है। ये ले जी, डन। अब मैं ऐसा करती हूँ जेली डाल लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो फ्लेवर्स की जेली है, एक है स्ट्रॉबेरी और एक है मैंगो। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मुझे दरअसल ज़्यादातर ये दो पसंद है तो मैं इसे यही लेती हूँ। क्यूब से मैंने इसको कट कर लिया था, अब मैं लेयर बनाकर इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, अच्छे से इसको कवर कर लिया हमने। Oh, I can't wait to eat it. देखने में इतना fascinated लग रहा है कि मुझे तो wait ही नहीं हो रहा। But no, I have to wait. अच्छे से हमारा यहाँ पे जल्दी कवर हो गई। कोशिश करा करें कि आप लोग ना साइड साइड पे ज़्यादा कवर करें, क्योंकि हमारा बोल के बाहर से आपकी नज़र आएगा तो एक एज ए रेनबो कलर नज़र आना चाहिए ना, खूबसूरत भी लगेगा। ये ले जी, अच्छे से मैंने जेली को कवर कर दिया। अब मैं इसके अंदर अपने ये एप्पल्स ऐड कर लेती हूँ, बिकॉज दिस इज द लास्ट जो मरवा बच गए। अब मैं इसके अंदर एप्पल्स ऐड कर लेती हूँ। अच्छे से इसको भी सारा हमने डाल लेना है। मैं फिर यही कहूँगी कि लेयर्स आपकी अपनी मर्जी है, आप लोग जो मर्जी डाल लें। अगर आप लोग कोई और फ्रूट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज कर लें ऐड। अगर आप लोग गर्मियों में बना रहे हैं तो आप मैंगोज ऐड कर लें, आप लोग की अपनी मर्जी है, जो मर्जी ऐड कर लें। अब मैं थोड़ी सी बंटीज इसके ऊपर पोर करूँगी। से बाकी मैं बचा लेती हूँ लास्ट में। अब मैं यही वाली अगेन पूरी लेयर्स रिपीट करूँगी, लाइक फर्स्ट केक। ये हमारा केक अच्छे से कवर हो गया है। अब अगेन इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा जूस कॉकटेल जूस पोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, बिकॉज ये राउंड नहीं है, बॉटम नहीं है। दैट्स इट, इतना काफ़ी है। अब वंस अगेन कस्टर्ड की लेयर, कस्टर्ड ऑल ओवर, अच्छे से सारे कॉर्नर्स कवर कर लेने हैं। ये वाही डिश है, आई मीन कस्टर्ड और जेली से हम जो भी डेजर्ट बनाए या जो भी चीज़ बनाए, वही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इजी टू पॉकेट और क्विक बन जाती है। आप इसको मेहमानों के सामने रखें, खुद बनाकर खाएं, एनी टाइम, बड़ी जल्दी बन जाएगी। दैट्स इट। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़े से बनाना। आई जस्ट लव बनाना। हमने इसमें ऐड कर लिए, आई थिंक दिस वुड बी इनफ। चले थोड़े से और डाल लेते, उन्होंने कौन सा हमें मना करना है, भाई नहीं हमें ना डालो। यस, ऑल डन। अब वंस अगेन कॉकटेल। अगर आप लोगों को ज़्यादा पाइनएप्पल डालना पसंद है, यानी इसमें भी, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर मिक्स फ्रूट पसंद था, इसे मैंने वो मंगवाया। चलिए, आई थिंक दैट वुड बी इनफ। बाकी कुछ अपने लिए भी बचा लूँ ना बाद में खाने के लिए। अब मैं यहाँ पे अपनी मैंगो जेली ऐड करूँगी। पहले स्ट्रॉबेरी की थी, अब मैंगो कर लेते हैं। अच्छे से इसकी भी सारी लेयर हमने कवर कर लेनी है। Isn't it look so yummy? What do you say? कमेंट्स में बताइएगा मुझे। जेली हमारी अच्छे से सारी डल गई। अब मैं इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा दूंगी, फाइनल, बिकॉज ऑलरेडी बॉल बहुत भर चुका है, ओवरलोडेड हो चुका है। कहते हैं ना, बॉल फुल ऑफ हैप्पीनेस, ये असली वो है। अच्छे से हमने सारा कवर कर लेना है इसको। क्रीम हमारी अच्छे से सारी कवर हो चुकी है। अब हम इसके फाइनल टचेस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ साइड साइड पर इसकी जेली लगा दूंगी, रेड कलर की।
बिकॉज लास्ट में हमने एट लास्ट हमने येलो कलर की ऐड की थी ना, तो अब मैं लास्ट में इसकी जेली रेड कलर की ऐड करूँगी। रेड जेली हम कवर कर ली। अब हम एट लास्ट इस पे बंटिया डाल देंगे, थोड़ी सी मिड में डालनी और अब थोड़ी सी इस तरह कॉर्नर्स पे डाल देंगे। चले जी, कलरफुल सा रेनबो फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा ये डिज़र्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे पेरेंट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आई विल टेक द लीव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।